नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज और हम बात करेंगे आज के राशिफल के बारे में। आज के पंचांग के अनुसार 20 अक्टूबर 2022 को इस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की दशमी की तिथि और गुरुवार का दिन है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से अति शुभ है। इस दिन विष्णु जी की पूजा का विशेष संयोग बना है। विशेष बात यह है कि आज ही एकादशी तिथि दोपहर 4:07 से प्रारंभ होगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि फल यानी एरिस की, तो तय किए लक्ष्य पूरे होंगे। एक काम का चुनाव करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। एकाग्रता बढ़ेगी जो काम की गति बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगी। जीवन के किसी एक पहलू में आया बदलाव जीवन की दिशा बदलेगा। अगर बात करें वृषभ राशि फल यानी टोरस की, तो किसी पक्ष का चुनाव करते समय ठीक से अवलोकन करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। भावनाओं का प्रभाव आप पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस कारण गलत निर्णय लेने की संभावना बन रही है। खुद के निर्णय के कारण अन्य बातों पर क्या असर हो सकता है, इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि फल यानी जैमिनी की, तो परिवार के बुजुर्ग लोगों के सुझाव पर ध्यान देने की कोशिश करें। बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए योजना आपके द्वारा बनाई जा सकती है, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि फल यानी कैंसर की, तो छोटी छोटी बात में सोच विचार करते हुए बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। आपका लक्ष्य स्पष्ट है और इसी लक्ष्य के जरिए अन्य बातों को हासिल कर पाना संभव होगा, इसलिए जो बातें स्पष्ट नजर आ रही हैं, उनके लिए डेडिकेशन से काम शुरू करें। अगर बात करें सिंह राशि फल यानी लियो की, तो परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने के कारण मन में उत्पन्न हुआ अकेलापन दूर होगा। परिवार के लोगों की जिम्मेदारी ठीक से निभाने की कोशिश करें। जिन कामों की क्षमता नहीं है उसमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कन्या राशि फल यानी वर्गों की, तो आपके द्वारा की गई मेहनत का फल प्राप्त हो सकता है, फिर भी काम में सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। परिवार से संबंधित विचार बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसे नकारात्मक तरीके से न लें। अब बात करते हैं तुला राशि फल यानी लिब्रा की, तो बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अभी संयम से काम करना होगा। जितनी आपकी क्षमता है उसी प्रकार से आपके द्वारा रिस्क ली जाएगी, फिर भी अपेक्षाओं का बोझ महसूस होता रहेगा। अचानक से किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अगर बात करें वृश्चिक राशि फल यानी स्कॉर्पियो की, तो मित्रों के साथ उत्पन्न हुए विवाद की वजह से खुद के लिए नकारात्मकता बढ़ने की संभावना बन रही है। अपने विचारों को ठीक से समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं धनु राशि फल यानी सजिटेरियस की, तो काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए एकाग्रता बनाए रखें। लोगों के द्वारा आपको भटकाने की कोशिश की जा सकती है, भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाना आवश्यक होगा। अगर बात करें मकर राशि फल यानी कैप्रिकॉर्न की, तो परिस्थिति को ठीक से न समझकर लोगों पर विश्वास करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय हर एक बात को समझना आपके लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि फल यानी एक्वेरियस की, तो कठिन समय में लोगों का साथ प्राप्त होगा। पैसों से संबंधित चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके द्वारा हुए किसी गलत काम को सुधारने की कोशिश करने की आवश्यकता होगी। अगर बात करें मीन राशि फल यानी पैसेज की, तो परिवार के लोगों के द्वारा बोली गई बातों का अच्छा असर होगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। अपने अहंकार को काबू में रखते हुए काम करने की कोशिश करें। धन्यवाद।